में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा। दिल्ली में नगर निगम चुनाव का रण तैयार हो रहा है। परिसीमन के बाद सियासी समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। मौजूदा पार्षदों ने क्या अपने वादे पूरे किए? क्या आपके इलाके की हकीकत वही है जो सपने पार्षद दिखाते हैं? सत्ता की गलियारों में वादों के पिटारे तो बहुत हैं, लेकिन फैसला सिर्फ जनता को करना है। तो चलिए आज सुनते हैं जनता की आवाज, क्योंकि ये आवाज अब दबाना मुश्किल है। दिल्ली तैयार है सुनाने को अपने इलाके का हाल। सुनिए नेताजी, वोट चाहिए तो सुनना ही होगा, जो कहती है दिल्ली की आवाज। नेता तो बहुत कहते हैं, लेकिन आज जनता बोलेगी। टोटल न्यूज लाया है ये खास कार्यक्रम। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं त्रिलोकपुरी के वार्ड का हाल जानने। क्या सब कुछ ठीक है यहाँ? सुनिए सबसे पहले दल्लूपुरा की जनता की जुबानी। सर, मेरे इलाके की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी यहाँ पे आधे घंटे आता है बस, साफ पानी। अच्छा। और बाकी टाइम जो वैसे डेढ़ घंटे पानी आता है, लेकिन जो एक घंटे जो पानी आता है वो बिल्कुल गंदा आता है। नाले का पानी देते हैं यहाँ पे। अच्छा। और आधे घंटे ही साफ आता है, उसमें हमारा काम सही से हो नहीं पाता है। ना हमारी ऊपर की टंकियाँ भर पाती हैं, ना यहाँ की टंकी भर पाती है। पानी आता है मगर कीचड़ का आता है। अच्छा। सबसे ज्यादा समस्या ये है। अच्छा। नाली मोरी ठीक से सफा नहीं होती है। हाँ। आते हैं, देखते हैं, भाग जाते हैं। अच्छा। मतलब ऐसा कोई इतनी पानी की सुविधा तो बिल्कुल गंदी है। अच्छा। अभी भी मेरे पास सबूत रखा है, मैं दिखा सकती हूँ पानी का। अच्छा। जो मैंने कल फिल्टर बदलवाया है वो बिल्कुल काला निकला है। अच्छा। तो ऐसी हमारे नाली के पानी की ज्यादा मोटी समस्या है। पानी की समस्या बहुत तगड़ी है। लोग बाग बीमार हो रहे हैं, टाइफाइड हो रहा है, पीलिया हो रहा है लोगों को। अच्छा। जहाँ भी जाते हैं वो डॉक्टर लोग यही कहते हैं भाई ये बीमारी पानी से है आपको। अच्छा। तो ये तो सबसे बड़ी समस्या ये पानी की है, लोग बाग बीमार हो रहे हैं। हमारी समस्या ये है कि त्रिलोकपुरी 15 ब्लॉक में रहता हूँ, ठीक है। वहाँ पे पानी का टैंकर आता ही नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ तो पानी का टैंकर ही नहीं आता। इधर 11 में आ जाता है, 9-10-12 में इधर आ जाता है, हमारी तरफ तो कोई आता नहीं। दूसरी बात यह है कि पीने का पानी जो है, आपको आप देखोगे नहीं तो इतनी बदबू आती है पीने के पानी में कि इसका कोई जवाब नहीं। और जिस हम पानी मोल लेके आते हैं, जो 20 रुपये की लीटर, जो 20 लीटर की जो टंकी होती है, फिल्टर पानी जो आता है, वो अगर मान लो मैं मजदूर आदमी हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ, तो आप ये बताइए कि 60 रुपये का आदमी पानी पी लेगा तो वो किराया कहाँ से देगा, या बच्चे कहाँ से पालेगा। कंपनी में 5,000-6,000 रुपये मिलते हैं, इससे ज़्यादा मिलते नहीं। रेडी लगाने वाला, अच्छा जब से नोटबंदी हुई है तब से कारोबार आधा रह गया भाई। लोगों के पास पैसा नहीं है, आदमी सोचता है कि 10 रुपये में काम चला लो। अगर दिन भर में अगर 200 रुपये मिले उसे तो वो 200 के हिसाब से तो काम चलाएगा, 500 के हिसाब से काम थोड़ी चलाएगा। एक्स्ट्रा 31 है जनता फ्लैट के सामने, वहाँ पानी आता है एकदम नाले जैसा। अच्छा। गंदा एकदम पूरा। अच्छा। और जब बाद में आएगा तो थोड़ा बहुत आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं पानी। पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। आम आदमी जो योगा करते थे, बुजुर्ग आदमी हैं जो बेचारे बहुत परेशान हैं, वो अंदर जाके पहले योगा कर लेते थे, खेलते रहते थे बच्चे हुए छोटे मोटे। अब जब से ये मेट्रो का काम चला, जब से पोल्यूशन इतना हो चुका है, अंदर आ नहीं सकते। हवा की पोल्यूशन, हवा बहुत कम है इधर, और बीमारी ज़्यादा फैल रही है। किसी को टीबी हो रही है, किसी को पैरालिस हो रहा है, सब में ज़्यादा परेशानी ये हो रही है। अब ये मकान बनने के बाद में बहुत ज़्यादा समस्या आ जाएगी। कुल मिला के तो मतलब 50% से तो ऊपर वादे पक्के हैं उसके, बाकी 50% ऐसे हैं कि कहने के बावजूद भी कुछ तो लेबर टाला मटोल कर देती है। देखो ये शौचालय बनाया था यहाँ पे, आज तक सफा नहीं हुआ जब से अभी तक, जब बना है, और आधे बंद हुए हुए हैं और आधे खुला हुआ भी, तो उसी में लैटिंग करके चले आते हैं, उसकी साफ़ सफाई देखने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। लोग बाग आए दिन कभी किसी को मार जाता है, कभी कोई छीन के ले जाता है, बहुत गंदा। सबसे ज़्यादा माहौल उस चीज का गंदा है, पुलिस व्यवस्था इतनी बेकार है जिसका जवाब कोई सुविधा नहीं है किसी चीज की भी। देखो नाले गंदे हुए हैं, पार्क हो गए, कोई सुधार नहीं है। पर यहाँ पर भी यहाँ कोई स्कूल नहीं है बच्चों की, कोई ये जो बरात घर भी ऐसा बना रखा है जो कि इसमें ना कोई ना ज्यादा जैसे 200-300 आदमी लोग आ जाते हैं तो उसमें ना सुविधा नहीं, पानी भी नहीं है इसमें। जब सुनवाई होती है तो होती ही नहीं है, कहने को कंप्लेंट कर दो आ जाएंगे। एक बार इसके अंदर बिजली का तार टूटा, खम्भा हमारा अभी तक खम्भा नहीं लगा है, 7 नंबर के सेंट्रल पार्क के अंदर। तो उसके अंजना पार्षद जी को बुला के, धींगान जी को, किसी ने सुनवाई नहीं की। उसके हमने MCD वाला को बुलाया, वो बिजली डेस वाले हैं, उन बेचारों ने कनेक्शन काटा।
किसी को करंट लग सकता, बच्चे खेला करते हैं, कोई भी समस्या का बिल्कुल ये काम नहीं करते कि कुछ भी कोई इन लोगों से। दिल्ली के अंदर कितनी एमसीडी है, कितने कर्मचारी है, साफ सफाई का नाम यहाँ देख लो, आप कैमरा मारो देखो ना कितने लोग बैठे हैं, सफाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कहाँ जा रहा पैसा सब क्या है। इस समय तो यही समस्या है जी, जो नाले बनाए दुनिया भर की मट्टी रेत उड़ रहा है, ये यानी जो बुजुर्ग आदमी है और पानी पीने का भी गंदा पानी आ रहा है जी, यानी सर गटर का पानी पी रहे हैं यहाँ पे हम, और बिल आ रहे हैं बहुत तेजी से। अच्छा हाँ, हमारी सबसे बड़ी तो समस्या यही हो रही है कि गंद खाना बहुत हो रहा है। मोदी कहता है सफाई अभियान सफाई अभियान, लेकिन एमसीडी वाले कुछ भी नहीं कर रहे, सारी गंद फैला रखी है। और ये नाला तोड़ने वाले हैं, इन्होंने तो इतना परेशान कर रखा, जितना तोड़ना चाहिए उतना बढ़ना चाहिए, लेकिन तोड़ देते ये बहुत लंबा और बढ़ाते एक इंच, रात को करते काम, दिन में नज़र नहीं आते, उल्टा सीधा करके भग जाते हैं, दिन में ढूंढते फिर जाते हैं, ना ठेकेदार मिलता ना जेई मिलता ना कोई कंप्लेंट करने वाला मिलता। विधायक को फ़ोन करें वो भी कहते हैं हम ठेकेदार से बात करेंगे, कोई सुनता ही नहीं है। मयूर विहार इलाका भी त्रिलोकपुरी विधानसभा के तहत ही आता है, यहाँ भी लोग कई तरह की परेशानियां गिनाते नजर आए। मयूर विहार के लोग क्या चाहते हैं इस बार नगर निगम चुनाव से पहले, जरा सुनिए। सिर्फ यह कि हमारे जो है ना पार्किंग की समस्या पैदा हो रही है। अच्छा। जो सी उसमें वो कहते हैं नालियां बनी है। अच्छा। उसकी जो रेलिंग लगाई है। अच्छा। वो भी टूट रही है। अच्छा। मतलब उसका कोई फायदा है नहीं, मेरे को लगता नहीं। पानी की। अच्छा। ये सीवर लाइन जो है। हाँ। बंद रहती है यहाँ की पानी या सीवर, सीवर लाइन बंद रहती है, जो पानी की जो लाइन है वहाँ पर सीवर जो है उसके वजह से पानी में प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, दिन पे दिन गंदा पानी आता है। सब में बड़ी समस्या ये है, एक तो यहाँ बिल्कुल सफाई नहीं है। अच्छा। और नालियाँ जो हैं बिल्कुल खुली हुई हैं, खूब मच्छर आते हैं, कूड़ा घेरते हैं और इतनी गंदगी फैली हुई है। क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब इलेक्शन देख रहा हूँ कुछ यहाँ काम चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है ये बात है, ये ढकी जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या यही है कि सफाई नहीं होती यहाँ पे, सफाई नहीं होती। और नाले जो दिखाऊंगा आपको देखें मेरे कैमरे में, वो नाले अपने कप के भरे हुए हैं, इतने इतने बड़े बड़े झींगे चल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ। मेरी मदर हैं तो उनकी फ्रेंड है यहाँ पे, तो सामने बाहरी आचार्य निकेतन की जो लाश वाली लेन है मयूर विहार की, तो वो वहाँ पे बुजुर्ग हैं महिला, तो वो अपना जा रही थी, तो वो आजकल ये ज़रा ज़्यादा हो रहा है चेन स्नैचिंग और जेवर उतारने वाली वारदात बहुत हो रही हैं। लड़के आते हैं वो सिविल ड्रेस में, वो पुलिस वाले अपने को बताते हैं, कहते हैं आप अपने जेवर इधर उतारिए, इधर आ जाइए, अलग आके बात करिए। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या। हाँ, ये लॉ एंड ऑर्डर समस्या है, ये वारदात है। और फिर दूसरा क्या है, ये स्ट्रे डॉग्स, ये जो हैं जो ये स्ट्रे डॉग्स जो हैं गली के कुत्ते जो हैं ये घूम रहे हैं, ये स्ट्रीट डॉग्स जो हैं ये अपना क्या कहते हैं ये प्रॉब्लमेटिक है, इनको लेकर डर लगता है रात में निकलने बढ़ने काट लेते हैं। वैसी कोई समस्या नहीं है, काउंसलर ठीक है, इज्जत देता है, काम करता है, ध्यान रखता है, 24 घंटे यहाँ घूमता भी है। कमी होती है ऐसे ना, कभी कभी जैसे जबरदस्त से बुला के गुप्ता जी बुला लेते हैं किसी को या वो तो करवाते हैं, वैसे रहता तो गंद भी रहता ही है। अच्छा। और एक जमादार ने भी थोड़ा ना तंगी करते, कूड़ा कूड़ा उठाने उठा लेती है, कभी नहीं उठाती है, ऐसे बुढ़ी है एक तो। अच्छा। सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक, गली गली है, गली छोटा है, इसमें हैवी ट्रैफिक आ गया। अच्छा। ट्रैफिक का पीछे लोग परेशान है, पार्किंग नहीं है, बारात घर नहीं है, शादीशुदी में बहुत प्रॉब्लम होता है। अच्छा। बच्चों का पार्क नहीं है। अच्छा। ये तो मेजर प्रॉब्लम है। ये पानी बहुत ज़्यादा गंदा आता है, बहुत साफ सफाई जो होता है जो कूड़ा निकाल लेते हैं उसको सफाई नहीं करते जल्दी। अच्छा। उठाते नहीं है। अच्छा। पानी बहुत बदबू आता है। अच्छा। 6 बजे के बाद पानी इतना बदबू आता बाल्टी में लिया नहीं जाता। अच्छा। खाने पीने बीमारी फैल जाती है, देखो कितनी सफाई नहीं हुई। और कभी आते हैं विधायक लोग और चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, और जो भी समस्या देना तो कार्यालय में रहते नहीं लोग। ऐसा यही है, नाली बंद है, पानी नहीं निकल रहा है। अच्छा। अब भैया हो या उन्हें झाड़ू बहाड़ू ठीक से लगावें, जब पानी एका तो नाला सफा करें, गंदगी नहीं है, गंदगी देख नहीं रही है, तब पानी लगा है। सबसे बड़ी समस्या है नाली की हो रही है इस समय, और तो सफाई तो होती है, लेकिन क्या कहते हैं वही हड़ताल के चक्कर में कूड़े कई जगह रखे हुए हैं, ये दिक्कतें हैं।
नालियां जाम है, रोड पे कूड़े उठ रहे हैं, इधर में जो मिट्टी पड़ी है सारे मच्छर धुआं कूड़ा ऐसे सब रोज की बात है, कोई एक दिन की बात कोई नई बात तो है। साफ सफाई एमसीडी की हो किसी की भी हो, अभी देखो ये पार्क इतना पड़ा हुआ है, इसमें सब कुछ लोगों ने हम लोगों ने करवा दिया सर। इस ब्लॉक की एरिया की समस्या सबसे गंदा पानी है त्रिलोकपुरी में। अच्छा, इतना गंदा पानी आता है, बदबू मारता है, सुबह शाम लोग भरते हैंगे इतना गंदा पानी कि कोई पी नहीं पाता। और गरीब आदमी है कि कोई फिल्टर तो खरीद नहीं पाएगा, यहाँ पे खाने को मिल जाए वही बढ़िया, फिल्टर खरीदेगा कौन इतना। और कूड़े उड़े की ज़्यादा समस्या है सबसे ज़्यादा। अच्छा, बदबू उदबू सब जगह, साफ सफाई नहीं होती है टाइम से। देख लो आप बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है, अभी कितने दिन हो गए मार के ओल डाल जाते हैं। अच्छा, सफाई हो तो कम से कम निकलने सही रहे, स्मेल मारती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। और भाई यही अपना देखो, पानी वानी अपना नहीं आता, गली मोहल्ले में गाड़ियाँ अपनी खड़ी रहती है। चलिए वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद भी दिखाएंगे आपको त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुछ और वार्ड का हाल।